बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रोग्राम फेस टू फेस विद आसिम अमीन, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी साजिद साहब ज़ुआरी साहब। साजिद साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बहुत बड़ा कराची के लिए एक ऐलान, जो 1100 अरब रुपए का उन्होंने पैकेज दिया है पानी, सीवरेज और सड़कों के लिए, क्या देखते हैं आप? देखिए, ये पीएम इमरान खान साहब का जो है एक देरीना जो ख्वाब भी था, और अहलियान कराची का ये मुतालबा भी था, और ये इनका एक वादा भी था, जो आज जो है ऐलान की सतह तक जो है मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि ये वफाक और सूबे का मुकम्मल तौर पर दोनों का जॉइंट जो है ये 1100 अरब रुपये का पैकेज है, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मवासलात पर, सड़कों पर, ये जो नालों से पानी गिर रहा है, पानी निकल रहा है, और गंदगी है कराची की सड़कें इस वक्त गंदगी से भर गई हैं, कुछ इलाकों में कूड़ा करकट है, कहीं पानी कंट्रोल नहीं हो रहा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जो इनक्रोचमेंट का इशू बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ कराची के अंदर और भी दीगर कई मसाइल हैं, माफियाज भी हैं। तो ये इमरान खान का आज का विज़िट जो है एक अहम तरीन जो है कारनामा तो होगा, और ये कारगर भी साबित होगा। लेकिन सोचना ये है कि सूबे कहाँ सो रहे हैं। अगर कराची का पानी निकालने के लिए पाकिस्तान की आर्मी जाएगी, फौज जाके वहाँ से पानी निकालेगी, बारिशों का पानी कंट्रोल करेगी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सुबह के बाद। मुझे एक जुमला कहना है, प्रोग्राम में हम ये तनकीद ना करें, जो माजी में हो गया वो हो गया। देखिए, हमारा काम आज जो ऐलान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किया है, हम उसी पे बात कर लें कि उसने ऐलान किया है। हम कह रहे हैं ये खुश आइंद इकदाम है, ये एक दरीना वादा था कराची के अवाम के साथ, जो पीएम ने आज पूरा किया है। खुदा करे ये जो पैकेज का ऐलान हुआ है ये एग्जीक्यूट भी हो जाए। उन्होंने बोला कि जो उनसे जितने नालों का मसला मसाइल है वो वफाक उसको सफाई में वो उनकी मदद करेगी, और जितनी इंक्रोचमेंट है वो कराची, उसको कराची की जो हुकूमत है वो उसको क्लियर करवाएगी, और उनके बदले में उनको कहीं और जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, आपकी बात को मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम तनकीद ना करें। हम तनकीद क्यों ना करें? हम तनकीद नहीं कर रहे, हम पॉइंट आउट करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। कल सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी कहा कि लाहौर शहर में जो बारिश हुई है वो कराची के कंपेरेटिव एनालिसिस अगर किया जाए तो लाहौर की बारिश ज़्यादा थी। कल लाहौर शहर के अंदर जितना पानी था वो 1.5 घंटे में 2 घंटों में लाहौर से ड्रेनेज हुए। ये होती है गवर्नेंस। देखिए, गुलजार साहब को मैं तो आज क्रेडिट, मैं उनका नाकेद रहा इस बात पे आ जाएं कि कल का क्रेडिट तो उनका। मैं उस्मान गुलजार को, लाहौर वासा को ये क्रेडिट जरूर दूंगा। हमारे यहाँ जो हमारा ऑफिस है उसके बाहर कम अज कम जी जो पानी होता है डेविस रोड पे, कल 160 मिलीमीटर बारिश थी, और वो पानी तकरीबन पूरा दिन निकलता था 12 घंटे। हाँ जी, कल मैंने खुद देखा आके, 12 बजे मैं आया हूँ, और मैंने कहा बुरा हाल होगा जाने का, जल्दी फ़ायदा कोई नहीं। 12 बजे आया हूँ, पानी 50% खींच लिया था उन्होंने, डाउन कर दिया था, और 50% जो था उन्होंने 2 घंटे के अंदर अंदर गाड़ियाँ आई हैं, उन्होंने उसमें उसको डाला है, पानी को सक किया और वो ले। आप बताइए, हम कंपैरेटिव एनालिसिस क्यों ना करें, हम तनकीद क्यों ना करें? अगर लाहौर में काम हो रहा है, लाहौर में वासा काम कर रहा है, लाहौर का सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काम कर रहा है, सीएम खुद कल बाहर निकले हुए थे, तो कराची के सीएम कहाँ सोए हुए हैं? कराची में बहुत ज्यादा डिविजन है, कराची इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने ज्यादा इदारे हैं कराची की। सियासत कराची वालों का क्या कसूर है? कराची वालों का क्या, जो इतना रेवेन्यू पूरे मुल्क में, अगर 100 रुपया पाकिस्तान का रेवेन्यू है तो 70 रुपये कराची का रेवेन्यू है, लाहौर का रेवेन्यू तो 23 अरब का है, कराची का रेवेन्यू 70 अरब से भी ज्यादा है। तो मुझे बताइए, बिजनेस का जो हार्ड है ना, हब जो है, हब है, वही है, वो दिल भी कह लें या हब कह लें। तो मैं आज वासा लाहौर को क्रेडिट क्यों ना दूं, सीएम पंजाब को क्रेडिट क्यों ना दूं, LDA लाहौर को क्रेडिट क्यों ना दूं? उन्होंने ये काम किया है, आप खुद यानी शायद है। मैं कल जितनी देर बारिश हुई है मैं पूरे लाहौर की सड़कों पर रहा हूँ, हम एनालाइज करते रहे, हम मॉनिटर करते रहे। हम आज हुकूमत वक्त को इस बात का क्रेडिट देंगे, पीएम इमरान खान को भी क्रेडिट देंगे। उस्मान बुज़दार की पहली दफ़ा आज बात मुझे नजर आई है कि वो बोलते कम है, मीडिया पे तशहीर कम करते हैं, लेकिन इदारों को वो कंट्रोल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रिप मजबूत हो रही है। वासा को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, लाहौर वासा ने जो कैंप्स लगाए हुए हैं, मानसून कैंप लगाए हुए हैं, प्री मानसून कैंप्स लगाए हुए हैं, उनका जो अमला है वो फाल है, और उसकी निशानदेही आपने खुद कर दी कि
कल डेढ़ घंटे के अंदर जो है पूरे लाहौर से एक डेढ़ बजे के करीब पानी जो है वो ड्रेनेज निकल चुका था। जी नाज़रीन, सुना आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी सायस अज़वारी की गुफ्तगू। मज़ीद प्रोग्राम देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।